कि 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट करा था, मैं एक सीनियर से मिलने गया था दिल्ली में। उनसे मैं मिलने गया, कुछ डाउट्स पूछने थे। प्रीलिम्स का 1 महीना बचा होगा उनका, वो मेरे से बात करने आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ क्या बात करनी है। तो मैं ऐसे जनरल गाइडेंस लेने लग गया कि सर कैसे स्टार्ट करते हैं, ये क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सिंपल बात बोली कि तुमने कभी किसी का ब्लॉग पढ़ा? इतने सारे टॉपर्स ने ऑनलाइन लिख रखा है या इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी इतनी बातें बोल रखी हैं, वो तुमने पढ़ी हैं? मैंने बोला नहीं सर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले जाओ वो पढ़ कर आओ, उसके बाद में जो डाउट्स हैं वो तुम मुझसे आगे पूछोगे, तो तुम डाउट्स भी अच्छे पूछोगे और मैं जवाब भी अच्छे दे पाऊंगा। तुम्हारा भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। तो उस वक्त मेरे को वो बात थोड़ी अखरी कि यार इन्होंने तो मेरे को कुछ बिना बताए यहां से भेज दिया। मैं जिस इंटेंशन से गया था, जो मेरा मोटिव था कि यार कुछ तो पता चलेगा, वो उन्होंने बताया नहीं। तो उन टीचर की, उन सर की, सीनियर की बात मेरे को आज वो पता चलती है। और वो बात मैं बोलूंगा कि सबसे पहली वो टिप थी मेरी यूपीएससी को रिलेटेड, और वो टिप आज मुझे पता चलता है कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट टिप है। कि आप सबको भी वो चीज करनी पड़ेगी, आप सबको भी वो काम करना पड़ेगा। मैं यहां पे आके 10 बातें बोल सकता हूं, मैं यहां पे आके 50 बातें बोल सकता हूं, बट एज लॉन्ग एज आप वो चीजें नहीं समझते हैं, आप खुद से उसके ऊपर विचार नहीं करते हैं, वो सब आपके कान पे पड़ेंगी, निकल जाएंगी। मैं भी यहां पर आया हूं, तो अगर आप सब लोग यहां पर इस हॉल के अंदर हैं या जो भी वीडियोस पे देख रहे हैं, आप सब किसी पर्टिकुलर रीजन से यहां पर आए हैं, कोई कारण है आपका यहां पे होने का, तो कोशिश करें कि वो चीज आप समझ पाए। आप यहां पे कोई मूवी देखने नहीं आए कि हॉल में जाके 1-2 घंटे बैठ के मूवी देख के आ गए। यहां पे या कहीं पे भी इन जनरल लाइफ में ज्ञान बहुत जगह मिलता रहता है, ज्ञान बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो कौन सा ज्ञान आपके काम का है, उसको कैसे पिक करना है, उसको कैसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए आराम से सुनिए जो भी मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करिए क्या आप पे अप्लाई होती है, क्या आप पे रिलेवेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने जो भी बात बोली सब सत्य है। मेरा एग्जाम एक बार में क्लियर हो गया, तो मैंने जितनी गलतियां करी होंगी वो हाइड हो चुकी हैं, किसी को पता नहीं चला मैंने क्या गलतियां करी हैं। 4 अप्रैल तक मैं जो भी करता था, जो भी सोचता था, वो मेरी खुद की थिंकिंग थी, वो मेरा खुद का पढ़ने का तरीका था। फिर वो रिजल्ट आया तो अब सब कोई उसको जानने लगा, सब उसको सही मानने लगा कि यही सही तरीका है। सही तरीका कुछ नहीं होता है, सही तरीका आपका जो तरीका है जिससे आपको समझ में आता है वो सही तरीका है। इसलिए जो भी, ना केवल मैं, आप कहीं से भी, इवन कोई टीचर भी या कोई भी फीडबैक आपको मिल रहा है, तो आपको एक बार समझना है कि वो आप पे कितना लागू होता है, उसके बाद में ही आपको उसे अपने स्ट्रैटेजी के अंदर डाल के आगे बढ़ना है। कोई आपको यहाँ पे कोई जड़ी बूटी नहीं देगा कि यार ये चीज कर लो तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे। जितेंद्र सर से कल बात बोली थी, इलाहाबाद में फेमस है बाबा बनाते हैं, वो सब लोग फालतू की बोल के चले जाते हैं, बोलते कि ये कर लो वो कर लो, वो कुछ कुछ नहीं होता है, करना सब आपको है, ये एग्जाम पूरा आपका है। मैंने भी कोचिंग करी थी, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, बट उसका भी एक लिमिटेड रोल था, उसके ऊपर मुझे भी साल भर बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, उसके बाद में वो रिजल्ट आया था। सबसे पहले मैं एक बता देता हूं कि थोड़ा मेरी लाइफ के बारे में बता देता हूं। मैंने 2010 में आईआईटी का एग्जाम दिया था, स्कूलिंग मेरी कोटा में हुई थी, एंड बचपन से मुझे साइंस बैकग्राउंड में ज्यादा इंटरेस्ट था, सोशल साइंस, अपनी सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था। मेरी कोशिश थी कि भाई 10वीं क्लास तक बोर्ड तक एक बार पढ़ के इनको हटा दूं, फिर 11th के बाद में तो आएगा भी नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं एकदम दूर भागता था उनसे, एकदम रट्टा मार मार के उनको मैंने निकाला था, क्योंकि मेरा पूरा मैथ्स वगैरह में इंटरेस्ट था। फिर कोटा में वैसे एनवायरमेंट भी होता है, तो मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया, वो एग्जाम भी क्लियर हो गया, फिर मैं आईआईटी बॉम्बे गया वहां ग्रेजुएशन करने। तब मेरे फादर ने मुझे बचपन से भी बोला था, और फादर मेरे सिविल सर्विसेज में ही है, पहले वो आरएएस थे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, अभी उनका प्रमोशन हो चुका है, वो आईएएस में है। उन्होंने मुझे बोला था, उनकी खुद की इच्छा भी थी कि वो आरएएस में, तो चाहते थे मुझे एज ए आईएएस देखना, बट मैं क्योंकि उस एनवायरमेंट में रहा था, बचपन से मैंने सारी चीजें देखी थी, तो कभी मुझे उसका अट्रैक्शन नहीं आया कि यार ये लाल बत्ती की गाड़ी क्या होती है, या ये सोशल स्टेटस क्या होता है, यार ये रिस्पेक्ट क्या होती है, वो सामने दिखता रहता था। मेरे लिए वो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी चीज थी, मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था। नहीं, प्लीज आप ताली मत बजाइए, आप सुनिए जो भी मैं बोल रहा हूँ, ताली आप एंड में जितनी बजानी है बजा लीजिएगा। तो मेरा था कि ये चीज तो मैंने देख रखी है लाइफ में, मुझे कुछ और ट्राई करना है, मुझे खुद की जिंदगी बनानी है, मुझे खुद के पैरों पे खड़े होकर कुछ करना है। और मेरा था कि मुझे कभी तो इंडिया के बाहर जाके भी एक बार रहना है या काम करना है। उसी इंटेंशन से मैंने कॉलेज में पढ़ाई भी करी, अच्छे से पूरा ग्रेजुएशन वगैरह करा,
और 2014 में जब मेरा फाइनल ईयर था, ग्रेजुएशन हुआ, तब मुझे सैमसंग साउथ कोरिया में जॉब ऑफर मिला था प्लेसमेंट्स में कॉलेज के अंदर। तो तब मुझे बहुत खुशी हुई कि यार बचपन से मेरी ये इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि मुझे एक बार बाहर जाना है और वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है। फिर मेरे फादर ने तब एक बार फिर से बोला कि तुम अभी ग्रेजुएशन कर चुके हो, तुम एलिजिबल हो चुके हो यूपीएससी लिखने के लिए, एक बार कोशिश करो। क्योंकि तो उन्हें पता था कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। मुझे खुद को लगता था कि यार ठीक है, एप्टीट्यूड वगैरह ठीक है, जनरल साइज मेरे बस की बात नहीं है, मैं कभी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता था, कि ये मुझसे कभी नहीं हो सकता। तो मैंने उनको मना करा कि नहीं है, उन्होंने फिर एकदम मेरे से बिना पूछे मेरा फॉर्म भर दिया। 24 अगस्त को एग्जाम था, 23 अगस्त की रात को उन्होंने बताया कि ये रहो तुम्हारा एडमिट कार्ड, कल सुबह जाके एग्जाम लेकर आना। मैंने बोला अगले हफ्ते, 10-15 दिन के बाद मेरी फ्लाइट थी। मैंने बोला कि नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, जॉब है। बोला कि ठीक है, चले जाओ जॉब पे, मैं फोर्स नहीं कर रहा, बस मेरा मन रखने के लिए एक बार ये एग्जाम जाके दे दो। और नहीं, वो तो होना तो है वैसे भी नहीं है क्योंकि तुमने तैयारी करी नहीं है, पर पता तो चल जाएगा, क्या पता तुम्हारा कभी बाद में मन बन जाए। मैंने बोला कि नहीं, पहले तो मना करा, फिर उन्होंने दीदी से थोड़ी मिली भगत कर ली थी, उसका भी फॉर्म भर दिया, बोला देखो इसको भी भेज रहा हूँ, ये भी जा रही है, तो तुम भी चले जाओ। तो मैंने बोला कि अब ठीक है, घर पे बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, संडे है, चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। अब मैं वहां पर गया, मैंने पेपर खोल के देखा और मुझे कुछ नहीं आया उसके अंदर, पूरा जो पेपर वन होता है जीएस का। तो होता यह था कि उसके पहले हमेशा जीएस वन और जीएस टू जो दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स के, उसके अंदर जीएस और सीसेट वाला दोनों के नंबर जुड़ते थे, और कट ऑफ इंजीनियर्स को फायदा होता था कि वो सेकंड पेपर में ज्यादा मार्क्स लेके जीएस थोड़ा बैलेंस करके 50-60 नंबर लाके वो भी क्वालिफाई कर लेते थे। तो मेरे फादर को भी ये वाली चीज पता थी, उनको ये नहीं पता था कि वो पैटर्न चेंज हो चुका, उसी साल से चेंज हुआ था। तो उन्होंने मेरे को भेज दिया कि अरे तुम्हारा हो जाएगा, तो इसके अंदर जितना मैक्सिमम ला सकते हो लाओ, उसके अंदर काम निकाल लेना। अब गया, अब उसके अंदर तो सीसेट वाला तो वैसे ही क्वालिफाइंग हो चुका है, कुछ काम का है भी नहीं, और जीएस वाला था उसके अंदर मेरा डब्बा गोल। मैं पेपर खोल के बैठा, मुझे कुछ आता नहीं है। मैंने सोचा कि चलो कुछ एलिमिनेशन करके आ जाएंगे। पहली बार मैंने उसके 5 साल पहले आईआईटी का एग्जाम दिया था, वहां पे तो एलिमिनेशन तो फिर भी हो सकता था कि चलो नहीं आया तो कुछ उल्टा सिगड़म बिठा के सवाल कर सकते हैं मैथ्स के फिजिक्स के, यहाँ पे तो कुछ सगड़म ही नहीं बैठती है, हमेशा दो ऑप्शन तो फंसते ही फंसते हैं। बी और सी एलिमिनेट कर दी तो ए और डी में तो तुक्का मारना ही पड़ेगा, बिना कॉन्फिडेंट मैं कर ही नहीं सकता हूं। और ये आप सबको पता है, फिल्म्स के अंदर 70-75% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तो गेस करना पड़ता। तब तो मेरा कोई बेस भी नहीं था, कुछ कंसेप्ट भी नहीं थे, और न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा हुआ नहीं था। तो मैं जाकर एग्जाम में 15 मिनट मैंने करा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं उठ के टीचर को बोलने लगा कि मैम आई वॉन्ट टू गो, मेरे ये हो गया मेरा पेपर। उन्होंने बोला कि नहीं, यू हैव टू सिट, आपको बैठना पड़ेगा पूरा 2 घंटा। अब मैंने सोचा क्या करूं, मैं जाके वहां पे हेड डाउन करके सो गया, क्योंकि एग्जाम तो मेरे को कुछ आता नहीं था। फिर मैं घंटे सवा घंटे के बाद में उठा, देखा कि बाकी बच्चे कुछ कर रहे थे। मैंने बोला कि चलो अपन भी थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा अपन टुक्केबाजी तो भिड़ा लेते हैं कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आएंगे, पर एग्जाम तो अपन को क्लियर करना नहीं है। तो मैंने कुछ टुक्केबाजी करी और पेपर में देकर आ गया, घर पे आराम करा, पापा को बोल दिया कि जो होगा, मुझे तो मतलब का भी नहीं है, बताना भी मत कि कितने मार्क्स थे, क्या रिजल्ट था। फिर उसके कुछ 7-8 में तो आराम से जॉब करने चले गया, 7-8 महीने बाद उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तुम्हारा होना तो था नहीं, तो हुआ नहीं, और कितने मार्क्स तुम्हारे सी साइड में, कुछ बहुत अच्छे नंबर आए हैं क्योंकि वो मेरा स्ट्रांग था, और जीएस में होंगे सिंगल डिजिट या कुछ 10-15-20 नंबर से ऊपर नंबर नहीं होंगे, मैं 200 के अंदर से। तो देख के पता चल गया कि अपने बस की बात नहीं है यूपीएससी, खासकर जीएस, क्योंकि मेरा कभी स्ट्रांग था ही नहीं। फिर मैंने बाहर, जो मेरा इंटेंशन था कि बाहर नौकरी करी, कभी बीच में यूपीएससी के लिए सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरा था कि अभी नौकरी मिली इसमें अच्छे से करना है, मुझे ध्यान भी अपना कहीं और बांटना नहीं है। तो मैंने अपना करा, जॉब करी 1.5 साल, फिर कुछ चीजें ऐसी हुई, वहां पे काम पसंद नहीं आया, फिर मैंने सोचा कि इंडिया मूव करके काम करते हैं, और बाहर रहना भी मेरे को इतना पसंद नहीं आया, इंडिया की जो लाइफ मेरे को बेटर लगती थी। तो फिर मैं शिफ्ट करके बैंगलोर आ गया, बैंगलोर के अंदर मैंने जॉब करी, और जॉब करते वक्त बैंगलोर में कुछ 7-8 महीने जब निकले होंगे, दिवाली का टाइम था 2016 का, मैं 2016 मार्च में इंडिया आ गया था। तो जब अक्टूबर नवंबर का टाइम आया, तब तक आते आते जो नेचुरल चीज है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, थोड़ी लाइफ में सीरियसनेस भी होती है, कब हम हमेशा मजाक नहीं कर सकते हैं कि आज मस्ती कर ली, कल कोई मूवी देखने चले गए, परसों गेम खेलने चले गए, फिर वीडियो गेम खेल रहे हैं, ये हमेशा नहीं कर सकते, कहीं तो लाइफ में सीरियस होना पड़ता है। तो उस वक्त था जब मैंने सोचना विचारना शुरू करा, और वहां बैंगलोर का ट्रैफिक भी ऐसा था कि आधा आधा पौन पौन घंटा मैं कैब में बैठा रहता था ऑफिस जाने के लिए, तो और कुछ काम था भी नहीं, तो मैं बैठे बैठे यही सोचता था कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है।
तब मेरे दिमाग में ये सब ख्याल आने लगे कि मेरी जो बाहर लाइफ थी वर्सेस जो मेरी बैंगलोर में लाइफ है, जो मेरी इंडिया में लाइफ है, उसमें बहुत सारा अंतर है, बहुत सारे इश्यूज हैं। और जो वहां पे जिस तरह की ईज ऑफ लिविंग थी कि बड़े आराम से चीजें हो रही है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है, वैसी जिंदगी यहाँ पे नहीं है। और मैं चाहूंगा कि वैसी जिंदगी यहाँ पे होनी चाहिए। तो जैसे बैंगलोर का ट्रैफिक का मैंने बताया, तो ट्रैफिक का देख के लगता था कि यार ये ट्रैफिक में ये ऐसे क्यों कर रखा है, ये थोड़ा ऐसे कर सकते हैं तो ये निकल जाएगा, ये तो बहुत कॉमन सेंस ही चीज है। ये एक बस स्टैंड है, वो उन्होंने एक ब्रिज है उसके बीच में बस स्टैंड बना रखा है, तो बसेस वहां पे रुकी तो ट्रैफिक जाम होना ही है। तो सबको लगता था ये वाटर स्केसिटी है, पानी की कमी बैंगलोर में बहुत तेजी से होती जा रही है, अभी भी इशू चल ही रहे हैं। तो तब से मुझे लगता था कि यार ये सारे चैलेंजेस हैं, और अगर मैं बाहर बैठे बैठे अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं और अगर मैं इनको बस क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि ये क्या है, ये गंदा है, बाहर अच्छा था, तो मैं मतलब इतना मेरे को इधर मिला है, मैंने सब कुछ पढ़ाई करी है, तो मैं उसके साथ ही मतलब गलत चीज कर रहा हूं। तो अगर उनको इम्प्रूव करना है तो वो मैं बाहर से कोच नहीं सकता हूं, मुझे खुद को जाके चेंज करना पड़ेगा। तब मैंने थोड़ा सोचना स्टार्ट करा, फिर वो पहले से दिमाग में यूपीएससी वाला तो एक्सपीरियंस था ही, पता था कि जॉब कैसे होती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। मेरे फादर, मेरे ताऊजी भी सिविल सर्विसेज में ही हैं, और फादर के कुछ सीनियर्स हैं, वो बचपन से एक दो बार मैं मिला हुआ था उनसे, तो मुझे आइडिया था थोड़ा बहुत कि यहां पर मैं आऊंगा तो कुछ तो सेटिस्फाइंग मिलेगा। एट द सेम टाइम मैं बैंगलोर में जो जॉब कर रहा था वहां पे मैं 8 to 8, 9 to 9, 10-12 घंटे दिन के मेरे उसमें जाते थे, महीने के एंड में मेरी सैलरी आती थी, काफी अच्छी सैलरी थी, बट उसको ना मैं कहीं यूज करता था ना उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता था कि यार मैं कुछ अच्छा इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, तो कुछ भी अच्छी चीज हो रही है उससे, बस से मेरा फायदा हो रहा है। और मेरा फायदा भी वो केवल मॉनिटरी फायदा है कि मैं आज जाके अगर मैं मान लो 1000 रुपए की शर्ट खरीदता हूँ तो मैं कल जाके 5000 की शर्ट खरीद लूंगा, उसके ऊपर तो मैं खर्च कर भी नहीं सकता हूँ। तो मुझे लगने लगा, फिर मैंने घर पे बात करी, अपने फादर से बात करी, बीच में यूएस वगैरह का ऑप्शन भी आया कि मैं यूएस भी शिफ्ट कर सकता हूँ, वहां पे पढ़ाई की भी अपॉर्चुनिटी मिली, बट फिर बीच में मेरे ऑफिस वालों ने मेरे को महीना दो महीना वहां पे भी भेजा। तब मुझे वहां की भी लाइफ दिखी, मुझे पता चल गया कि नहीं कोरिया भी पसंद नहीं आया, यूएस भी पसंद नहीं आया, मतलब अपन को बाहर रहना पसंद नहीं है, अपने लिए इंडिया सही जगह, अपन को इंडिया में रहकर ही कुछ अच्छा करना। इसलिए फिर मैं सोचने लगा कि यूएस का तो मैंने ऑप्शन कैंसिल कर दिया, और घर पे बात करने लगा। तो मैंने 5-6 महीने लगाए, बारह बार हर महीने में घर जाता था, पूछता था, बात करता था जितने लोगों से हो सके, तो खासकर वो भी केवल घर के अंदर और एक से एक या दो लोग, ऐसा भी नहीं कि मैंने 10 जनों को या दोस्तों को भी बता दिया कि मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि तो बहुत सारी ओपिनियन आती है, तो वो सब अपन को जो सोचना होता है, अपन को करना होता है, वो उनसे इन्फ्लुएंस होती है। अल्टीमेटली जो आपको अंदर से चाहिए वो आपको ही पता है, या ज्यादा से ज्यादा जो आपके क्लोज वंस है, आपकी फैमिली है, वही आपको बता सकते हैं, वही लोग हैं जो आपको सही एडवाइस देंगे, बाकी तो उनके हिसाब से जो सही है वो बताते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इन्हीं लोगों से पूछता हूँ। फिर सोच समझ के मैंने डिसाइड करा, बताया कि सब जगह पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, कि तुम सिविल सर्विसेज में भी आओगे तो ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा होगा, इश्यूज होंगे, लोगों को ट्रांसफर का बहुत टेंशन रहता है, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, या लोगों को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का डर रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वही मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि हर जगह पॉजिटिव्स नेगेटिव्स होते हैं, सिविल सर्विसेज में जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा, जरूरी नहीं है सब कुछ गंदा होगा। अगर तुम जहां सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हो, जो काम करके तुम अच्छा काम करना चाहते हो, वो जरूर यहां पे मिलेगा। ये मैंने 3, 4, 5, 10 लोगों से पूछ लिया था, सुन लिया था, तो इसका मुझे पता था कि अगर मैं अच्छा ही ढूंढूंगा तो मेरे को अच्छा ही मिल जाएगी, बट अगर मैं केवल बुराई ढूंढूंगा उस चीज के अंदर तो मेरे को बुराई भी मिल जाएगी। और अगर मैं प्राइवेट जॉब कंटिन्यू करता हूं तो वहां पे भी है कि ठीक है, मेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है, सब कुछ बढ़िया है, मैं अच्छी लाइफ जी सकता हूं, मैं महंगी कार खरीद ली, कर लिया, जो करना है मैं कर सकता हूं, बट एट द सेम टाइम जो सेटिस्फेक्शन है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं, वो वहां पे नहीं मिलता है। या मैं बैंगलोर में हूं, वहां पे ट्रैफिक में फंस रहा हूं, तो पता है कि वो भी नेगेटिव ही हुआ उस जॉब का। तो मुझे वो मैंने जब कंपेयर करा दोनों चीजों को, तब मैंने सोचा नहीं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे। फिर मैंने मेरी जॉब छोड़ी, मई 2017 में मैंने मेरी जॉब छोड़ी थी। उसके बाद में मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ये एग्जाम मेरा 1 साल का या मेरा 1.5 साल का टाइमलाइन था। तो अब लोग बोलने में बोल सकते हैं कि ठीक है मेरे 2 अटेम्प्ट थे, बट मैं इसको पर्सनली फर्स्ट अटेम्प्ट ही काउंट करता हूं, क्योंकि पहला अटेम्प्ट था कि मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले पता चला कि मुझे कल जाके एग्जाम लेकर आना है, और मैं इसको एज अ टाइम पीरियड काउंट करता हूं। कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूंगा मैंने जिंदगी के 1.5 साल 2 साल डाले यूपीएससी क्लियर करने के लिए, और वो लगते ही है, वो सबके ही उतने मिनिमम तो इतना अमाउंट डालना पड़ेगा आपको। तो ये मेरी टाइमलाइन थी जो मैंने बताई आपको। अब इसमें आप नोट करेंगे तो सबसे पहले मैंने सबसे बल्क में जो टाइम बताया वो क्या था, मेरा यूपीएससी में आने का जो थॉट प्रोसेस, जो मैंने स्टार्टिंग के तैयारी शुरू करने के पहले 5-6 महीने डाल दिए सोचने में कि मुझे एग्जाम देना है, क्यों देना है।